न वेलकम एंड वेलकम बैक टू मा माई चैनल होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज हम बात करने वाले हैं लोटस बोटानिकल्स के वाइटमिन सी स्किन ब्राइटनिंग मैट फ्यसक्रीन की इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अलॉन्ग विद दैट हम ये भी जानेंगे कि यह सनस्क्रीन होता क्या है एस पी एफ क्या होता है पी ए प्लस प्लस क्या होता है एंड अलॉट मोर थिंग लेटेस्ट वीडियो बट इफ यूर न्यूर बेलाइकन ऑन ऑल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन आई अपलोड द वीडियो सो इफ आई टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज ये मैट फ्लूड है इसमें एस पी एफ फिफ्टी है वाइटामिन सी है जो कि हमारे स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है एंड इट इज सेवेंटी फाइव इन ग्राम्स सो लेट्स टॉक अबाउट इट सनस्क्रीन इज अ टाइप ऑफ लोशन और यू कैन सेट फ्लूड विच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सन रेज हार्मफुल सन रेज एंड ऑल्सोलोट स्किन कैंसर सो इफ आल टॉक अबाउट मैट फ्लूड सनस्क्रीन विच इज़ न्यू लॉन्च ऑफ लोटस बटोनिकल्स तो मैं ये कहना चाहूँगी मैट फ्लुइड सनस्क्रीन इज़ फार बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर ब्रांड्स विच आई यूज अरलियर और आई सॉ इन द मार्केट बिकॉज मैट फ्लुइड एक तो आपकी स्किन को ग्रीसी फील नहीं होने देता है बिल्कुल भी ग्रीजी शो नहीं करता है एज वेल एज इट हैज़ वाइटामिन सी वाइटामिन सी मैंने आपको काफ़ी अपनी स्किन के वीडियोज़ में बताया है कि वाइटामिन सी हमारे स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं एक तो नॉन ग्रीजी क्योंकि अब हमारे आगे समझ आ रहे हैं और समझ में हमें बिल्कुल भी uh, वो ग्रीसी चिपचिपा सा लुक नहीं चाहिए होता है एंड अलॉन्ग विद डेट हमारे स्किन भी uh, ब्राइटन फील करे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही वाव है बहुत ही अच्छा है एंड इट इज ऑल्सो नॉन कॉमेडोजेनिक नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब होता है कि इट विल नॉट क्लॉकड योर पोर आपके जो पोर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक नहीं करेगा नेक्स्ट इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सल्फेट फ्री पैराबिन फ्री क्लुएलिटी फ्री नो मिनरल ऑयल एंड वाटर रेसिस्टेंट एक स्लाइड आपको और आ, शो करती हूँ सन प्रोटेक्शन फैक्टर बेसिकली होता है जो हमारे हमें सन के यूवी वी रेज से बचाता है सन की टू टाइप्स की यूवी वी रेज होती हैं यूवी ए एंड यूवी बी रेज तो यूवी बी रेज से जो हमें बचाता है वो होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर एंड इट हैज़ अ सन प्रोटेक्शन फैक्टर ऑफ 50 व्हिच मीन्स ये 98 परसेंट तक हमारी जो स्किन um, को बचा सकता है फ्रॉम यू बी रेज वेयर एज़ इफ आई टॉक अबाउट पी प्लस 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 अगर पी ए प्लस 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 है तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज ये हमें प्रिवेंट करता है यू वी ए रेज से अब यू वी ए रेज और यू वी बी रेज होती क्या हैं यू वी ए रेज होती हैं जो हमारे स्किन के थर्ड लेयर तक पेनीट्रीट uh, कर जाती हैं हमारी फर्स्ट लेयर होती है एपीडोमिस सेकेंड डोमिस एंड थर्ड इज़ हाइपोडामिस अगर हमारी इस यू वी ए रेज हमारे स्किन के थर्ड लेयर तक पहुंच जाती है तो उससे क्या होता है हमारे फोटो uh, एजिंग के साइंस देखने को मिलते हैं मतलब रिंकल्स फाइन लाइन एंड ऑल इवन हमारे स्किन को काफ़ी डैमेज होता है और स्किन कैंसर का ख़तरा रहता है यू वी बी रेज जो होती है वो हमारे अपर लेयर को बर्न करती हैं जो भी हमारे सन टैन या बर्निंग की प्रॉब्लम आती है वो सब हमारी यू वी बी रेज की वजह से होती है क्योंकि ये सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है आई विल रिकमेंड हमेशा जब भी आप सनस्क्रीन परचेज करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इट हैज़ एस पी एफ एज वेल एज इट हैज़ पी ए प्लस 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 फैक्टर मतलब एटलीस्ट पी ए के आगे तीन प्लस तो होने ही चाहिए इसमें वो है तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी 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 रेवल्यूशनरी प्रोडक्ट एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाय दिसक्रीन जो भी आपका स्किन uh, का पार्ट एक्सपोज होता है कवर्ड नहीं होता आपको उन सभी जगह सनस्क्रीन को लगाना चाहिए बेसिकली लोगों को मैंने देखा है वो अपने फेस पे लगा लेते हैं नो no, गाइस जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो आपके फेस को आपके नेक एरिया इवन ऑन योर इयर्स एज वेल एज ऑन योर हैंड्स आपको पूरा अच्छे से कवर करना चाहिए नेक्स्ट एवल टॉक अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन वी शुड यूज तो एटलीस्ट एवल से आपकी uh, जो दो फिंगर्स हैं ये पूरी आपको कवर करनी है ऐसे एंड देन यू हैव टू अप्लाईड ऑन ऑल ऑफ योर फेस अगर आप हैंड्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से आपको यूज़ करना होगा सिर्फ टू तो फिंगर्स से आपको अपना फेस कवर करना है डोंट फिंग टू अपलाइड ऑन योर नेक एज वेल एज ऑन योर ईयर घर में रहते हैं uh, पूरा टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लास्ट टू इयर्स से काफ़ी अभी भी काफ़ी जगह वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो इवन यू हैव टू अप्लाई वेन एवर यू आर इन योर हाउस मतलब आप घर में हो तभी भी आपको अप्लाई करना है अगर आप बाहर जाते हैं तो अपर्स आपको अप्लाई करना ही है अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए बट uh, don't forget to apply reapply in every फोर to फाइव hours. सबसे बड़ी बात थी अगर आप घर में तो भी आपको reapply करना है अगर आप बाहर हैं तो भी आपको reapply करना है मैं इसकी packaging की बात करूँ तो ये बहुत ही इसकी अच्छी packaging है uh, travel friendly है मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं आराम से इसे अपने bag में carry करती हूँ मतलब ये मेरा बहुत ही essential product है जो मेरे bag में आपको मिलेगा ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इवन इफ़ आई visit market for लॉन्गज hours, तो मैं इसे अपने bag में रख के ले जाती हूँ ताकि मैं उसे रीअप्लाई कर सकूँ रीजन फॉर चूजिंग दिस सनस्क्रीन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स लॉर्स ऑफ फैक्टर लेट्स टॉक अबाउट इट सबसे पहला तो इसमें विटामिन सी है जो हमारे स्किन को ब्राइटन अप करता है मैट फ्लूड है बिकॉज मेरी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है ऊपर से सुपर सेंसिटिव है तो ये मैट फ्लूड जो इसका कंसिस्टेंसी uh, है ये बहुत ही अच्छा है मेरे स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी और ऑयली नहीं दिखाता दूसरा इट इज़ नॉन कॉमेडोजेनिक मेरे पोर्ट्स को भी ब्लॉक नहीं करेगा इट इज़ सल्फेट फ्री नो प्रिजर्वेटिव नो टॉक्सिक केमिकल्स पैरामिन फ्री एंड एंटी पॉल्यूशन वाटर रेसिस्टेंट हंड्रेड परसेंट वीगिन एंड लॉट मोर थिंग्स मतलब और आपको क्या चाहिए जस्ट वॉन्ट टू शो यू द टेक्स्चर ऑफ इट सी इट इज़ वेरी लाइट वेट वेरी मैटिफाइंग बहुत ही अच्छा है just see and it is easily absorb matlab kitna easily absorb ho gaya just see and it has no white cast see i'll definitely say ki जो lotus ने ये sana screen launch kiya hai their new launch is basically कमेंडेबल मतलब जस्ट जस्ट बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इवन आफ्टर सिंगल यूज यू विल फॉलो एंड लव विद दट एंड इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस अमेजिंग सनस्क्रीन एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डोंट फर्गेट टू यूज़ माई कुपन कोड एज वेल होाप यू लाइक द वीडियो डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मर चैनल एंड हिट दलाइक एन नॉन ऑलसो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड द वीडियो Stay tuned for more updates.